महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या के अवसर पर टाउन हॉल स्थित उनकी मूर्ति पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई एवं 150 घरों से मांग कर लाई गई 150 दीपकों से ज्योति जलाई गई। इस दौरान अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा संगठन एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी ब्रजेश राम त्रिपाठी ने कहा कि गांधी हमारी चेतना में जिंदा है। संत का अंत नहीं होता बल्कि संत देह मुक्त होकर अनंत हो जाता है। इस दौरान कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पतंजलि युवा जिला प्रभारी जितेंद्र शुक्ला, दिलीप सिंह, विशाल गुप्ता, मोनू मंडल, महामंत्री रमेश चंद त्रिपाठी, अवनीश मणि त्रिपाठी, मोहम्मद यूनुस, विपिन विहारी पांडे, प्रदीप त्रिपाठी, हरिगोविंद सिंह, अवधेश शुक्ला सहित कई लोग मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भाजपा महानगर मीडिया प्रभारी ब्रजेश मणि मिश्रा ने कहा ब्रजेश राम त्रिपाठी। महात्मा गांधी की जयंती के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूरे देश में उनके जयंती को एक पर्व के रूप में मनाने का पूरे समाज ने निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार दोनों ने महात्मा गांधी जी के जो सद्विचार थे, महात्मा गांधी जी के जो सामाजिक सरोकार थे, उस पर प्रमुखता से अपना पक्ष रखते हुए, प्रमुखता से अंगीकार करते हुए स्वच्छता अभियान से लेकर उनके सारे संदेश को पूरी दुनिया में फैलाते हुए और भारत को मजबूत करने का जो अभियान लिया है, उस अभियान के पूर्व संध्या पर हम यहाँ पर अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा एवं गुरु कृपा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये 150 दीपक जलाए हैं। ये 150 दीपक 150 परिवारों से मंगाए गए थे, जो हर परिवार से महात्मा गांधी के प्रति अपना नमन और महात्मा गांधी के प्रति अपना प्रेम, जो उन्होंने सत्य और अहिंसा का संदेश भारत ही नहीं समूचे पूरी दुनिया में दिया है और पूरी दुनिया ने अंगीकार किया है। जिस देश का कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इन ब्रिटेन ने भी महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर, महात्मा गांधी जी को चित्र पर एक डाक टिकट जारी किया और पूरी दुनिया ने लोहा माना कि उन्होंने एक धोती पर और एक लंगोटे पर पूरे देश को आज़ाद कराया और देश के आज़ाद कराने से ही नहीं पूरी दुनिया में प्रेम, सत्य और अहिंसा का जो संदेश दिया, उस संदेश को अंगीकार करने के लिए और उस पर चिन्हों पर चलने के लिए ये कार्यक्रम आज आहूत किया गया है।